Hello students, now I will take from exercise 8.2 question number 2. Choose the correct option. CBSE में MCQs की बहुत बेहतरीन है, 20 marks के आपके MCQ include रहते हैं, filler banks include रहते हैं, तो इनको भी आप ध्यान से solve कीजिए. First, 2 10 30 degree upon 1 plus 10 square 30. 10 30 की वैल्यू क्या रहती है? 1/√3. 2 × 1/√3 प्लस 1/1 प्लस 10 square 30. 10 square 30 1/√3 होल स्क्वायर. आप ऊपर मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2 × √3 upon 1 plus 1/√3 होल स्क्वायर. इट मीन्स 1/√3 into 1/√3 is 2/√3 1 plus. अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा? 1/√3. आप इस पीछे क्या लगा लीजिए? 1. ये अभी मैंने सिखाया आप लोगों को. 2/√3 आप क्या लोगे? एलसीएम लोगे. इसका एलसीएम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए. अब डिनोमिनेटर को 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 3. अब 3 से 1 को डिवाइड करके देखा तो क्या आया? 3. 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3 से 3 को आपने डिवाइड करके देखा इट मीन्स क्या है? 1. 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2/√3. 3 + 1 = 4. 4/√3. अब आपको क्या करना है? नीचे की टर्म को रेसिप्रोकल करना है. क्या कर देना है? रेसिप्रोकल. 2/√3 into 3/4. क्लियर? अब आप कट कर दीजिए. 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4. आपके पास क्या मिला? 3/√2. 3/√3 किसी की वैल्यू है? साइन 60, कॉस 60, टेन 60 या साइन 30 किसी की वैल्यू है? ये किसी की भी वैल्यू है. आप इसको नेक्स्ट स्टेप में रेशनलाइज कीजिए. रेशनलाइज करोगे इट मीन्स मल्टीप्लाई कीजिए. किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? √3 से. √3/√3. √3 into √3 is 3/√3. Next, 2 into √3 into √3 is 3 से 3 कैंसिल हो गया और √3/2. अब आप इसमें से देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन. आप देखिए साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है. यस, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2. इट मीन्स आपका आंसर क्या है? साइन 60 आपका क्या है आंसर? आप इसको कीजिए. कॉस 60 की वैल्यू √3/2 नहीं होती, टेन 60 की वैल्यू √3/2 नहीं होती, साइन 30 की वैल्यू भी √3/2 नहीं होती. सिर्फ साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2. इट मीन्स आपका करेक्ट आंसर है ए. Second, 1 − 10 square 45 upon 1 + 10 square 45. 10 = 45 की वैल्यू क्या रहती है? 10 = 45 की वैल्यू रहती है 1. 1 − 10 square 45 means 1 square upon 1 + 10 square 45 again 1 square. 1 − 1 upon 1 + 1. 1 − 1 = 0. 0/2. 0/2 = 0. अगर ये उल्टा होता 2/0 इट मीन्स क्या रहता है? नॉट डिफाइंड. बट ये क्या है? 0/2. 0/2 क्या रहता है? 0. इट मीन्स आपका करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ए इज 1090, बी इज 1, साइन 45. इट मीन्स आपका करेक्ट आंसर क्या है? डी. नाउ नेक्स्ट इज साइन 2a = 2 sin a इज ट्रू. When A equals to, आपके ऑप्शन देखिए 0 degree, 30 degree, 45 degree और 60 degree. आपको इसमें ये देखना है कि sin 2A 2 sin A के क्या इक्वल है? इन दोनों की वैल्यू जो आएगी वो क्या इक्वल आएगी? आपको LHS = RHS इट मीन्स आप इसमें वैल्यूज को पुट करके देखिए. When A equals to A, अगर 0 रखने से इनकी वैल्यू इक्वल आती है
30 रखने से इन दोनों की वैल्यू इक्वल आती है 45, 60. आपको वैल्यूज को पुट करके देखना. इट मीन्स देखो LHS साइन टू फर्स्ट. फर्स्ट क्या दिया है आपको? एक फर्स्ट वैल्यू दी है एक 0 डिग्री. अगर आप a इक्वल्स टू 0 डिग्री पुट करते हो तो देखो साइन टू a कितना 0. इट मीन्स क्या होगा? साइन 0. साइन 0 कितना होता है? 0. अब इसका RHS आप करके देखिए. RHS क्या है? 2 sin a. a की जगह पे आप 0 पुट करोगे 2 sin. साइन ए, ए क्या है? 0. इट मीन्स 2 sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0. इट मीन्स क्या है? 0. इट मीन्स LHS इज इक्वल्स. आपकी कौन सी वैल्यू पुट करने से दोनों का आंसर इक्वल आया? जब हमने क्या पुट करा? a इक्वल्स टू 0. तो आपका आंसर क्या है? a इक्वल्स टू 0. आपको सिमिलरली 30, अगर आपका आंसर 0 पे नहीं आता तो आपको आगे नेक्स्ट 30 की वैल्यू को पुट करके देखना था, 45 की वैल्यू को पुट करके देखना था, 60 की वैल्यू को पुट करके देखना था. बट आपको ये देखना था कि दोनों LHS इज इक्वल टू RHS और नॉट. इट मींस योर करेक्ट आंसर इज a 0 डिग्री. पार्ट 4, 2 10 30 degree और 1 minus 10 square 30. 10 30 वैल्यू इज 1/√3. 1 minus 10 square 30, 1/√3 whole square. मल्टीप्लाई कीजिए 2/√3 अपॉन 1 minus 1/√3 इंटू 1/√3. 1/√3 इंटू 1/√3 इज 1/3. 1/3. आप नीचे सॉल्व कीजिए डिनोमिनेटर को. 2/√3. एलसीएम इज 3. 1 की टेबल में 3, 3 टाइम्स 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3. 3 की टेबल में 3, 1 टाइम. 2/√3. 3 minus 1 is 2. 2/3. Now reciprocal. Reciprocal कर दोगे तो denominator क्या हो जाएगा? उल्टा. 2/√3 into 3/2. 2 से 2 कट गया. आपका आंसर है 3/√3. 3/√3 किसी की वैल्यू है? 4, 60, 10, 60, sin 60 नहीं. आप इसको रेशनलाइज करके देखिए क्या आएगा. √3/√3. इट मीन्स मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा? 3/√3 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इज 3. 3 कैंसिल. इट मीन्स आंसर इज √3. इनमें से किसी की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू, 10 60 की वैल्यू √3 है. किसकी वैल्यू √3? 10 60 की वैल्यू क्या होती है? √3. इट मीन्स आपका करेक्ट ऑप्शन है 10 60. थैंक यू.